बंधुओं सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी पर भी क्लिक करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, आज का वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो अपने शत्रु से परेशान है। उनका शत्रु रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लिए परेशानियां इकट्ठी कर रहा है, रोज उन्हें परेशान करता है, गाली गलौज करता है और कभी कभार तो बात हाथापाई तक भी हो जाती है। पूरे परिवार की जिंदगी में उन्होंने जहर घोल के रखा हुआ है। ऐसे शत्रुओं को कैसे समाप्त किया जाए या फिर उनकी शत्रुता को कैसे खत्म किया जाए, आज का वीडियो हम इसी टोटके के लिए बनाएंगे। इसको आप पूरा देखिएगा आखिर तक, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा हम आपको बता देते हैं। आपके पास आपके शत्रु की या तो कोई पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास उसके पास कपड़ा नहीं है उसके पहना हुआ, तो आपके पास उसके कुछ जुराब हो या फिर उसके हाथ से लिखा हुआ कोई कागज हो, उसका पेन हो, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो उसने इस्तेमाल करी हो, ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास उसकी चीज होनी चाहिए। अब हम जो आपको करके दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये आपके शत्रु की कमीज है। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको रखना है एक तांबे का लोटा या कोई सा भी बर्तन तांबे का होना चाहिए जिसके अंदर आप पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद इसमें आपको नींबू निचोड़ना है। तो याद रखिएगा, नीचे उसका इस्तेमाल करी हुई चीज अवश्य होनी चाहिए शत्रु की। जब आप उसको नींबू निचोड़ देंगे, नींबू निचोड़ने के तुरंत बाद आपको इसमें नींबू निचोड़ने के बाद तुरंत आपको इसके अंदर ये लाल मिर्च आपको दिख रही होगी, ये सारी आपको डाल देनी है। जब आप इसको लाल मिर्च डाल देंगे, तब आपको क्या करना है, आपको उसके कपड़े से इसको ढक देना है। और उसके अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप सुनिएगा। इसके बाद आपको कोई भी एक ऐसा फल होना चाहिए जिसके अंदर गुठलियाँ हो, जैसे ये जामुन है इसके अंदर गुठली है। आपको रोज रात को एक फल इसके ऊपर रखना है गुठली वाला। अब अगले दिन जब आप आएंगे अगली रात को, तो आप एक नया गुठली वाला रखेंगे और जो पहला था उसको हटा देंगे। इसका क्या करना है हम आपको बताएंगे। ऐसे ही फिर अगली रात को आप उसको हटाएंगे और नया रखेंगे। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप गुठली वाला फल रखते जाएंगे, धीरे धीरे उसके बर्ताव में नर्मता आती जाएगी, शत्रुता धीरे धीरे कम होने लगेगी। या आप 5 से 6 दिन बाद से ही आपको, जैसा कि हमने बताया, 5 6 दिनों में आपकी शत्रुता कम होने लगेगी और 21 दिनों में तो आपकी पूरी की पूरी शत्रुता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और कई बार तो शत्रु मित्रता में भी बदल जाता है, दोस्ती कर लेता है। अब हम बताएंगे कि आपने जो पहले दिन जामुन रखा था या कोई गुठली वाला फल रखा था, उसका क्या करना है। उसको आपको एक ऐसी जगह में फेंकना है जहाँ पर कोई ना हो। फेंकना है जी, ना हाँ, कहीं दबाना नहीं है, आप कहीं पर भी फेंक सकते हैं। अंधेरे में ही फेंकना है जहाँ पर कोई आपको दिखाई ना दे, और सीधा घर आ जाना है। और जो अंदर का सामान है उसको बदलना नहीं है। पानी और नींबू और लाल मिर्च ऐसी की ऐसी रहे जो आपने पहले दिन रखी थी। और यह उपाय आपको सोमवार की रात से शुरू करना है, जी हाँ, और लगातार करते जाइए, किसी भी दिन मत रुकिएगा। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहले से ही शत्रु का सामान ले रखा है, या तो कोई उसकी कमीज या फिर उसका पेन या कोई कागज लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी ऐसी वस्तु जो उसके इस्तेमाल की गई हो। बंधु, आशा करते हैं आप यह वाला उपाय करके लाभ उठाएंगे अन्य जातकों की तरह। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग